हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गो वेल पे। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डाइट्री फाइबर के लाभ और क्यों इसका सेवन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डाइट्री फाइबर क्या है। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पेड़ की जड़ों, टहनियाँ और पत्तों का निर्माण करता है। हम सभी किसी न किसी रूप में फाइबर का सेवन करते हैं। फाइबर गेहूं के चोकर, नट्स, दालों, बहुत सी सब्जियों और फलों में पाया जाता है। हालांकि फाइबर पचाने के योग्य नहीं होता, पर यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है। हमारे द्वारा किए गए भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इस प्रकार फाइबर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइबर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला सोल्यूबल फाइबर और दूसरा इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल यानी घुलनशील फाइबर, यह फाइबर आसानी से पानी में घुल जाता है, जो पानी में मिलकर हमारे पाचन तंत्र में जेल जैसी वस्तु बनाता है, जिससे आंतें स्वस्थ बनती हैं। सोल्यूबल फाइबर आंतों पर इकट्ठा होने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इससे पेट से छोटी आंत तक भोजन पहुंचने की क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज ब्लड में धीमी गति से एब्जॉर्ब होता है। इस वजह से आपका पेट ज़्यादा समय तक भरा हुआ महसूस होता है। सोल्यूबल फाइबर से ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन रहता है, जिससे डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो जाता है। जो कि सोल्यूबल फाइबर से आपका पेट ज़्यादा समय तक भरा हुआ महसूस होता है, इस वजह से ये बॉडी के वेट को मेंटेन रखने में सहायक है। इनसोल्यूबल यानी कि अघुलनशील फाइबर, ये फाइबर पानी में घुलनशील नहीं होता, इसलिए ये पाचन तंत्र से चिपके रहते हैं और ये हमारे शरीर के वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। अब बात करते हैं फाइबर के सेवन से आपको क्या लाभ मिल सकता है। कोलेस्ट्रॉल, सोल्यूबल फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिस वजह से ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही रखने में सहायक है, जो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है और जिससे बीपी का स्तर भी शरीर में सही बना रहता है। वेट लॉस, सोल्यूबल फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन हमारे पेट को काफ़ी देर तक भरा हुआ महसूस करवाता है और कैलोरी की बहुत कम मात्रा होने की वजह से ये बार बार भूख नहीं लगने देता। इस वजह से बॉडी का वेट मेंटेन रहता है और ओवरवेट वाले लोगों को फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन अवश्य करना चाहिए। गुड बैक्टीरियास, फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन हमारे आंत में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरियास को एनर्जी देकर एक्टिव बनाता है, जो हमारे आंत यानी कि इंटेस्टाइन को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। ब्लड शुगर, सोल्यूबल फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन हमारे शरीर में शुगर एब्जॉर्प्शन को धीमा कर ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है और इन सोल्यूबल फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क से बचाने में हेल्प करता है। हेल्दी स्किन, बाहरी धूल, प्रदूषण और आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स से लोगों की त्वचा सुस्त और बेजान हो जाती है। स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाए रखने में सही आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके लिए भोजन में न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स के साथ फाइबर का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। सही आहार केवल आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि स्वस्थ त्वचा के लिए भी ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, भोजन में सही मात्रा में फाइबर का सेवन मुहासे और दाग धब्बे से छुटकारा दिलाने में सहायक है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, वैसे तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं, पर इनसोल्यूबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में अहम रोल निभाता है और कब्ज से निजात पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। जिन पुरुषों की उम्र 50 या 50 से कम है, उन्हें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिससे उन्हें प्रतिदिन 38 ग्राम्स डाइट्री फाइबर अवश्य प्राप्त हो, और महिलाओं की बात करें तो उनके शरीर को प्रतिदिन 25 ग्राम्स डाइट्री फाइबर की आवश्यकता पड़ती है। जिन पुरुषों की उम्र 50 से ज़्यादा है, उन्हें प्रतिदिन 30 ग्राम्स डाइट्री फाइबर का सेवन अवश्य करना चाहिए,
और 50 से ऊपर के उम्र वाली महिलाओं को प्रतिदिन 21 ग्राम डाइट्री फाइबर का सेवन करना चाहिए। अब जानते हैं किन चीज़ों में सोल्यूबल यानी घुलनशील फाइबर पाया जाता है। एप्पल, मटर, नींबू, गाजर, स्वीट पोटैटोस, एलमंड्स, खजूर, पपीता, केला, मसूर की दाल, ब्रोकोली, ओट्स, बंदा गोभी, प्याज और संतरा। अब जानते हैं किन चीज़ों में इनसोल्यूबल यानी कि अघुलनशील फाइबर पाया जाता है। गेहूं के चोकर, फूलगोभी, आलू, आलमंड्स, राजमा, मसूर दाल, उड़द दाल, भिंडी, काबली चना, पालक, अंजीर, बैगन, ब्रोकली, ओट्स और गवार फली। वैसे तो फाइबर न्यूट्रिएंट्स में काउंट नहीं किया जाता, पर एक भोजन जो अच्छी तरह से संतुलित और संपूर्ण है, इसका मतलब इसमें फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, बीज और साबुत अनाज शामिल है। इन सारी चीज़ों में वो सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। जब हम घर की बनी हुई चीज़ों को छोड़कर बाहर के प्रोसेस फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, तब हमारे शरीर को न्यूट्रिशन और फाइबर सही पैमाने पर नहीं मिल पाता, जिससे हमें कई सारे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है। आज ज़्यादातर मॉडर्न डाइट में फाइबर की कमी है, क्योंकि फूड को इस हद तक प्रोसेस, रिफाइंड और पॉलिश किया जा रहा है कि फाइबर की अधिक मात्रा प्रोसेसिंग में ही निकल जाते हैं। पॉलिश किए गए चावल, रिफाइंड गेहूं का आटा और इनसे बने प्रोडक्ट्स लो न्यूट्रिशन और लो फाइबर के उदाहरण हैं। यह वजह है कि रेडीमेड और रिफाइंड फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यूं तो फाइबर को न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता, पर फाइबर भूख और शुगर लेवल को मेंटेन करने से लेकर फैट घटाने या लिपिड को कंट्रोल करने के साथ हमें स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमें और हमारे चैनल को अपना प्यार देना ना भूलें, और ऐसे ही जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल गो वेल।